दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कैसे जी रहे हैं। आप देखें आप कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है। रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग देखिए क्या कर रही है, बीटेक पास बेरोजगार 10,000 में भी तैयार, है ना। ये आप देखें, 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन दौड़ रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर एमबीए। देश में 200 कार शोरूम हुए बंद, 25,000 लोग बेरोजगार, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। आप देख पा रहे हैं इस बात को। 30 साल हमारे पिताजी ने काम किया, 30 साल दादाजी ने काम किया और 30 साल परदादाजी ने काम किया। देखें तो फेसबुक नहीं हुआ करता था उस वक्त व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुआ करती थी, और मतलब भटकाव के कोई भी साधन नहीं थे। फिर भी 90 सालों में 80% आज भी फैमिलीज ऐसी हैं, 80% जिनके पास आज भी 90 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए हैं, आज भी 90 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है, 90 साल होने के बाद भी। आप मुझे बताइए, जो काम 90 सालों में नहीं हुआ उसकी नींव 900 दिनों में रख दी जाए, और 9 साल में जो 90 सालों में नहीं हुआ वो 9 सालों में हो जाए, तो कैसा रहे, कैसा रहे। चलिए हम बात करते हैं, जिस शानदार से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिस शानदार सी एकेडमी की वजह से ये हो सकता है, वो शानदार सी एकेडमी का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम बात करते हैं सेफ शॉप की। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से इसे बोलते हैं। 861 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल का हमारा। इंडिया की नंबर वन कंपनी के रूप में हम हैं। हम बात करते हैं A3x24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ऑनलाइन शोरूम है, एक तरह से ऑनलाइन शोरूम है। हम बात करते हैं 14 दिसंबर सन 2000 में कंपनी शुरू हुई थी, आज 4,000 से ज्यादा लोग कंपनी में करोड़पति बन चुके हैं, और बहुत तेजी से कंपनी 22 साल से रन कर रही है। ISO का सर्टिफिकेशन है। आपको जैसा कि पता होगा, जब भी कोई बैंक खुलती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के माध्यम से खुलती है। जब भी इंश्योरेंस सेक्टर में जाता है कोई तो IRDA के माध्यम से खुलता है। अब इसी तरह समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष बिक्री, है ना, उसके ऊपर भी एक गवर्नमेंट बॉडी काम करती है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इसके तहत हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। GST लग के सामान आता है, इनकम टैक्स लग के पैसा आता है, एक नंबर काम है। तो हम ये देखते हैं लीगलिटी में हम नंबर वन है। फिर बात करते हैं कई सारे सर्टिफिकेशन है जो आपको देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि कई सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ टाइप हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, बिजनेस कोई भी 200 बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग करके हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है इस बात के बारे में, हम 5 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एजुकेशन, फैशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी। बात करते हैं एजुकेशन की, तो इंग्लिश स्पीकिंग का पैकेजेस को लेके आ सकते हैं। स्मार्ट स्टार का पैकेज है, जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, सही से एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके तहत बच्चों के लिए 1st से लेकर 7th क्लास के लिए टॉकिंग टेड है, एजुकेशन का पैकेज को लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। रेमंड के सूट है, इनको लेकर बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। ग्राडो, ग्रासिम, बर्गोइनी और लेडीज के कई सारे सूट हैं, आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं किराने का, बहुत सारा सामान है। होमेक्स का RO है और आयुर्वेदिक कई सारे सामान है। इसके अलावा डबल वॉल किचन डिनर सेट है, मियां कासा के डिनर सेट है। फिर हम बात करते हैं कई सारे ज्वेलरी के पैकेजेस भी हैं। इसके अलावा नॉनी प्रीमियम है जो 1300 बीमारियों का इलाज करता है, एलोवेरा है जो मोटापे को कम करता है, आंवला तुलसी है जो अस्थमा को सही करती है, और ज्वाइंट पेन ऑयल, ज्वाइंट पेन कैप्सूल, ऐसी कई सारी चीजें हैं आयुर्वेदिक, जिनमें से किसी भी पैकेज को लेके कॉम्बो पैक बना के बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। हम बात करते हैं संपूर्ण हनुमान और श्रीमद् भगवत गीता, ये ग्रंथ है, प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा मैं इनको, ये ग्रंथ है, इनको लेकर भी हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि इनमें से कोई भी शॉपिंग करके बिजनेस की शुरुआत करनी है, मगर देखिए पैसा कहाँ से बांट रही है कंपनी, कंपनी या ना कोई भी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। देखें तो 30 रुपए का सामान हम आज तक कहीं ना कहीं 100 रुपए में लेते आ रहे थे। आपने जो जैकेट पहनी है, आपने जो फ्रिज लिया है, आपने जो टीवी ली है, जो भी सामान आप यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो कम में बना है और ज्यादा में मिला है। ये जो बीच का पैसा है वो कहाँ जा रहा है, ये बीच का पैसा C&F एजेंट को जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रहा है, जो बहुत सारे करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, और हम बस कस्टमर बने हुए हैं आज तक। हम बस कस्टमर बने हुए हैं, हम जब भी सामान लेते हैं, हो सकता है आप महंगा सामान लेते हो सकता है बहुत सस्ता सामान लेते हो, मगर एक बात पक्की है, आप सस्ता सामान लेते हो या महंगा सामान लेते हो, आपसे कोई ना कोई कमा रहा है, आपसे कोई ना कोई कमा रहा है। मगर हम देखते हैं अमेजॉन भी ऑनलाइन शॉपिंग कराता है और सेफ शॉप भी ऑनलाइन शॉपिंग कराता है। अगर अमेजॉन 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेगा तो
सारा का सारा जेब बेजो साहब ले जाएंगे या उनके यहाँ जो भी जॉब करते हैं उनको मिल जाएगा उसके परसेंटेज में से। मगर सेफ शॉप अगर 10,000 करोड़ का टर्नओवर करता है तो आम जनता में 7,000 करोड़ बांटता है, ये काम ये कंपनी कर रही है। और अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो हमें पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिलता, सेफ शॉप से सामान लेते हैं तो हमें पैसे कमाने का मौका मिलता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ व्यापार मिलता है ना। हम बात करते हैं कि कोई शॉपिंग करके हमने बिजनेस की शुरुआत कर ली, अब करना क्या है, तो करना कोई अनोखा काम नहीं है, वही करना है जो बचपन से लेके हम आज तक करते आए और हर बंदा करता है, वो है सलाह देना। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने जैसा बताया बिजनेस, क्योंकि सेफ शॉप से जैसे ही आप 200 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेते हैं वैसे ही है ना आप इस बिजनेस में मालिक बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है आपको और आप इस बिजनेस को चला सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लगा लेने से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस लगाने से बिजनेस नहीं चलता। आप बताइए मेडिकल में जो मेडिकल का जो दुकान लगा के बैठे हैं या कपड़े का दुकान लगा के बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो कपड़े का फायदा बता रहे हैं, मेडिकल में सामान का फायदा बता रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं सलाह दे रहा है। देखिए आप दिख रहा है आपको, ये लोग इतने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं फिर भी ये सलाह दे रहे हैं, पार्ट टाइम में कुछ और कर रहे हैं, फुल टाइम काम इनका कुछ और है, तो आप देखें इस बात के बारे में, ये लोग गरीब हैं अमीर हैं, ये अमीर लोग जब ये काम को करने में कोई शर्म नहीं कर सकते तो हम भी एक व्यापार में मिल गया है, एक शॉपिंग करने से जितने में फर्नीचर नहीं लगता उस शॉपिंग करने से हमें एक व्यापार मिल गया है। और जब व्यापार मिल गया, जैसा मैं शब्दों में बोल रहा हूं, अगर आपको ये भरोसा हो जाए यहां से लाखों रुपए की इनकम आ सकती है, किसी भी व्यापार को कोई व्यक्ति लगाता कभी तभी है जब उसे भरोसा हो जाए कि यहां से मुझे कुछ अर्न होगा, यहां से मुझे कुछ मिलेगा, तो यहां से भरोसा हो जाए, कई सारे लोगों के सक्सेसफुल देखने के बाद कि यहां लाखों रुपए कमाने का मौका, तो कितने लोगों को बताना पसंद करेंगे। मुझे लगता है जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला हम मिलकर 1,000 लोगों को बताएंगे। मान लेते हैं आपने और मैंने मिलकर 1,000 लोगों को बताया आपके, तो आप बताइए मुझे 1,000 में से कितने परसेंट लोग हमारे साथ है ना कोई सामान लेकर बिजनेस में शुरुआत कर लेंगे। मुझे लगता है 1,000 में से जिसपे सनीचर चढ़ा हुआ है ना, जिसकी किस्मत बिल्कुल खराब है ना, तो भी 1,000 में 200 लोग हमारे साथ आ जाएंगे। हम बात करते हैं इस बिजनेस की शुरुआत के लिए 200 की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमारे साथ बिक्री होती है, दो बिक्री होती है 200-200 बिजनेस वॉल्यूम की, एक बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है 2.5 रुपया, तो 200-200 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हो गया 500 रुपया, बाकी रेफरेंस का आपको मिलता है पर बीवी का 1 रुपया, तो इस तरह से आपको 400 बीवी के हिसाब से 400 रुपया मिल जाता है आपको रेफरेंस का, और 1,000 रुपया मिल जाता है आपको पेयर का बिक्री पे, दो बिक्री पे। जैसे दो बिक्री होती है आपको चेक आता है 1,400 रुपए का, तीसरी बिक्री होती है, वैसे अगर आपकी 200 बिजनेस वॉल्यूम से तीसरी बिक्री होती है तो आपको चेक आता है 4,500 का, है ना। तो हम ये देखें इस बात के बारे में जरा देखें, अगर लाख रुपए महीने वाली की बात है तो आप मुझे बताइए क्या हम एक दिन में अपने जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें लाखों रुपए कभी आने वाला नहीं है, उसमें 30-30 साल देने रेडी है, 30-30 साल देने के लिए रेडी है, उसमें लाखों रुपए नहीं आने वाला है, तो भी उस काम में शिद्दत से हम 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं, क्या इस काम को उस काम को करते हुए क्या इस काम में लाखों रुपए आ सकते हैं, जिसमें आज नहीं तो कल आ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इसमें 4-5 घंटा निकाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आसानी से 4-5 घंटा निकाल सकता है, और 4-5 घंटा जैसे ही निकालता है अपने हर काम को करते हुए तो वो दो लोगों से आसानी से मिल सकता है, इस बिजनेस के बारे में शेयर कर सकता है। और यहां हम शेयर करने के साथ साथ कस्टमर नहीं बनाते, हम पार्टनर बनाते हैं, और जैसे ही आप एक दिन में 2 लोगों से मिलते हैं तो महीने में 60 लोगों से मिल लेते हैं, 60 में से 10 लोग अपने आप आ जाते हैं, 60 में से 10 लोग सेल कर लेते हैं, बिक्री हो जाती है आपकी, जैसी 10 बिक्री होती है तो आप मुझे बताइए 10 लोगों को जब हम सिखाएंगे इस काम को करने का तरीका, कुछ लोग होंगे जो भगवत गीता लेंगे बोलेंगे मुझे मंदिर में रखना था, पूजा करनी थी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कपड़े चाहिए थे तो मैंने कपड़े ले लिए, मुझे बिजनेस नहीं करना, कई लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट के लिए आएंगे, कई लोगों के स्वास्थ्य खराब होंगे तो स्वास्थ्य को सही करने के लिए आएंगे, मगर 10 में से जब हम 10 को सिखाएंगे, 10 को सिखाएंगे मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, जब 10 को सिखाएंगे तो क्या 2 लोग नहीं सीखे हुए तैयार हो जाएंगे, क्या 2 लोग सीखे हुए तैयार नहीं हो जाएंगे, और जैसे 2 लोग सीखे हुए तैयार हो जाते हैं,
अगले महीने ये भी लोगों को लाते हैं, साथ में सिखाते हैं। मैं ये बार बार बात कर रहा हूं, सीखे हुए लोगों का अगर नेटवर्क बनाते हैं तो दूसरे महीने 4 होते हैं, तीसरे महीने 8 होते हैं, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 4096। ये गणित का नियम है, 2×2=4 ही होता है ना। हर व्यक्ति ईमानदारी से दो दो लोगों को ला रहा है, उन्हें सिखा रहा है। और ये कहां से शुरुआत हुई, आपने जो 10 लोग सेल की थी उसमें से 2 सीखे हुए तैयार हो गए। हो सकता है वो 10 में से 2 सीखे हुए तैयार हो जाए, जबरदस्त। हो सकता है वो 100 में से 2 तैयार हो जाए, हो सकता है वो 200 में से 2 तैयार हो जाए, क्योंकि बिक्री तो मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप देखें टोटल लोग होंगे 8190 और इनकम हो जाएगी 40,95,000 रुपया। यहां से ये जानते हुए, यहां से पैसा आता है 40,00,000 रुपया आएगा, जिंदगी बदल जाएगी। ये जानते हुए यहां से 8,000 लोग एक एक घंटा काम करेंगे तो समय आएगा। ये जानते हुए यहां से हम रहे ना रहे 8,000 लोग रहेंगे तो हमें सुरक्षा भी मिलेगी। मतलब यहां पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा, मंच, माइक, माला, देश विदेश की यात्रा, ये सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है ये बिजनेस कितने परसेंट चलना चाहिए, कितने परसेंट चलना चाहिए? जब ये बात मुझे समझ में आई कि एक शॉपिंग करने से इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, तो मुझे लगा 100% ये काम चलना चाहिए। मगर यदि ये बिजनेस 100% नहीं चलता, 10% भी चलता है, 50% भी चलता है तो 20,00,000 कमाते हैं, 10% भी चलता है तो 4,00,000 रुपए कमाते हैं। हम देखते हैं इस बात के बारे में, ये कैसे कैसे पैसा आया, हमारे द्वारा बिक्री हो रही है तो पैसा, हमारे लोगों के द्वारा बिक्री हो रही है तो पैसा, जादू नहीं है ये, टीम एफर्ट बिजनेस है, टीम एफर्ट बिजनेस है। हमारे द्वारा बिक्री हुई तो पैसा, हमारे लोगों के द्वारा बिक्री हुई तो पैसा, हम देखें इस बात के बारे में। इसके अलावा बिक्री करते करते, टीम बनाते बनाते, जैसे ही आपकी 20 लोगों की 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से टीम हो जाएगी तो आप पहली रैंक अचीव कर लेंगे, आपको 4,000 से 5,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है। दूसरी रैंक 50 लोगों की टीम पर 10,000। अब देखें अगर अपन तो 50,00,000 रुपए आप 10,000 की टीम बनाते सी 50,00,000 रुपए आप जोड़े का कमा लेते हैं। दूसरा आप जो रैंक इनकम करते हैं तो 20,00,000 रुपए आप रैंक इनकम कमा लेते हैं। तीसरा आप कार फंड कमाते हैं 5,00,000 रुपया। इस तरह से अगर देखें कोई व्यक्ति 10,000 का नेटवर्क बनाता है 200 बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग के हिसाब से तो 75,00,000 से 1,00,000,000 रुपए की इनकम आसानी से कर लेता है। यहां पर अगर वो 10,000 की टीम, हो सकता है वो 2 साल में बना दे, हो सकता है 5 साल में बना दे, हो सकता है 10 साल में बना दे, हो सकता है 20 साल में बना दे, मगर ये बात पक्की है कि 75,00,000 रुपए से 1,00,000,000 की इनकम उसको जरूर आती है। हम बात करते हैं, ये तो डायमंड तक का सफर हो गया, जैसी हमारी 10,000 की टीम बन गई इसके बाद हमें पेंशन फिक्स हो जाती है। ये मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है आपको, चाहे आपकी कोई सेल जाए या ना जाए। और ये इनकम 28,80,000 रुपए तक होती है, जैसी 5-10 लाख की टीम आप क्रॉस कर देते हैं, और कई सारे लोग हैं जो ले रहे हैं। अब एक बात समझनी है, इसके अलावा एक और इनकम है जिसको बोलते हैं रिटेल इनकम। जैसे हमारे यहाँ नौनी है, आपको पता है 900 रुपए में आती है, सेफ शॉप में 900 रुपए में आती है, MRP उसका 1600 रुपए, तो हम है ना उसे 1500 रुपए में बेचकर भी वहां से भी पैसा कमा सकते, जो दुकानदार कमा रहे हैं MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके अलावा एक और इनकम भी रीपर्चेस, मतलब आपके द्वारा बिक्री हो रही है, आपके लोगों के द्वारा बिक्री हो रही है, रीपर्चेस, वो खरीद रहे हैं अपने लिए, तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिलता है। मैंने आपको बताया कई सारी टाइप की इनकम यहां मिलती है। इसके अलावा अभी टारगेट चल रहे हैं गोवा का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट, तो ये भी आपको करने का मौका यहां से मिलता है। हम देखते हैं दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, एक तो नौकरी लोग मानते हैं, एक दुकान मानते हैं। धरती पे नौकरी और दुकान करने वाले 95% लोग हैं और 95% लोग 5% पैसा ही कमाते हैं, है ना। और ये देखिए, जब जब कूदेंगे तब तब पैसा आएगा, कूदना बंद पैसा आना बंद, जब जब समय देंगे तो पैसा आएगा, समय देना बंद पैसा आना बंद। मगर एक तरफ है जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी किसको बोलते हैं, जिसके लिए 500 एक्टिव लोग काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं व्यापारी। जिसने 4-5 ठेले लगा लिए, 4-5 दुकानें डाल ली, वो व्यापारी नहीं है। 500 एक्टिव लोग जिसके लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं व्यापारी। और दुनिया में 95% लोग नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, मगर 5% लोग व्यापारी हैं। ये 5% लोग आज 95% पैसा कमाते हैं।
तो एक बात मेरे समझ में आ गई संजय जी कि आपको अमीर बनना है तो लेफ्ट से राइट में आना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट में आना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है आप सेफ शॉप से ही आए, और भी तरीके हैं। आप होटल डाल लें, हॉस्पिटल डाल लें, स्कूल डाल लें, फैक्ट्री डाल लें, कम से कम 5 से 10 करोड़ की लागत लगेगी। व्यापार शुरुआत के लिए जमीन चाहिए, सरकारी अनुमति चाहिए, इस काम करने के लिए स्टाफ चाहिए, मशीनें चाहिए, सैलरी देनी पड़ेगी, बार बार पैसा लगाना पड़ेगा, कच्चा माल लगेगा, 8 से 15 साल का धैर्य लगेगा और बहुत बड़ा रिस्क। अगर आपका बिजनेस खत्म हो जाए तो आप आत्महत्या ना करें, इतनी आप में कलेजा होना चाहिए। दूसरा, मिलेगा क्या मात्र, चलो सारे चीजों को करने का मिलेगा मात्र सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अब इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मात्र 200 बिजनेस वॉल्यूम की, बस एक बार बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत हो जाती है और उसके बाद एमआरपी की व्यापार से शुरुआत हो जाती है। पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं, सरकारी अनुमति नहीं चाहिए, जीएसटी लग के सामान आता है, इनकम टैक्स लग के पेमेंट आता है, खुद हम मालिक होते हैं। प्लान फोल्डर मोबाइल लैपटॉप, ये भी सीखने सीखने सिखाने का व्यापार है, तो यहाँ पे भी हमें हमें है ना शास्त्र लगते हैं, हमारे शास्त्र ही हमारे शस्त्र होते हैं। फिर बात करते हैं, सभी खुद के लिए काम करते हैं है ना, और टूल बुक्स का खर्चा रहता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है 135 करोड़ जनसंख्या, कोई रिस्क नहीं है, पैसा दिया था सामान हमारे पास आ गया। जो 4-5 साल लग रहे हैं वो बिजनेस को डेवलप करने के लिए लग रहे हैं है ना। बाकी बाकी हमने जो डाला था, आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रिटर्न इक्वल टू जीरो, जो आपने दिया था उसका सामान आपको मिल गया, रिटर्न इक्वल टू जीरो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आई इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो? हर बिजनेस में लागत मांगता है। और इसके बाद मिलेगा क्या, जो दुनिया के किसी भी काम से प्राप्त नहीं कर सकते, वो पैसा मिलेगा इस बिजनेस के माध्यम से, समय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, मंच माइक माला मिलेगी, विदेश यात्रा मिलेगी, ये सब चीजें इस बिजनेस के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं इस बात के बारे में, कई सारी और चीजें हैं। हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, देश की बेरोजगारी मिट रही है, परिवार की गरीबी जड़ से खत्म हो रही है, खुद को एक ब्रांड बना रहे हैं, एक अलग बिजनेसमैन एटीट्यूड डेवलप होता है ना। बहुत सारी चीजें बिजनेस में होती हैं, आप सबको समान मौका है इस बिजनेस के अंदर है ना। यहाँ क्षेत्र नहीं पूछा जाता, गोत्र नहीं पूछा जाता, रंग नहीं पूछा जाता, यहाँ बस एक ही चीज पूछी जाती है कि क्या वो डायमंड बनना चाहता है ना। एक नेता है सबको नेता नहीं बना सकता, मगर एक डायमंड सबको डायमंड बना सकता है, ये बहुत बड़ा मौका है इस बिजनेस में। फिर देखते हैं, सन 2003 में बिजनेस स्टार्ट किया था श्याम सुंदर जी ने, 2007 में सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया, अनपढ़ बीवी और 3 बच्चे छोड़े, और उनके मरने के बाद 17,000 की टीम आज 5.5 लाख की हो चुकी है, और यहाँ सर ने आज 2019 तक का डाटा है, ये 11 करोड़ रुपए आ चुके हैं, अभी अगर डाटा देखें तो 13 करोड़ रुपए इनकी फैमिली को पहुंच चुके हैं। मर सा बिजनेस है,